मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शाहीन बाग में महिलाओं का प्रोटेस्ट जारी है। मुंब्रा शहर के साथ साथ मुंब्रा प्रोटेस्ट में अब तक कई जानी मानी हस्तियां आ चुकी हैं, महिलाओं के हौसला अफजाई भी कर चुकी हैं। मुंब्रा शाहीन बाग में आज 14वां दिन है महिलाओं का प्रोटेस्ट जारी है, मगर महिलाओं का जज्बा अभी भी पहले दिन जैसा ही है। ये महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सरकार के सामने चट्टान बनकर खड़ी हैं। आज मुंब्रा के शाहीन बाग में कॉलेज के छात्रों के साथ कुछ आर्टिस्ट भी पहुंचे थे, जिन्होंने जामिया में हुई फायरिंग और संविधान बचाने की लड़ाई में लड़ रही जेएनयू जामिया के स्टूडेंट के साथ और भी कई ऐसे चित्र बनाकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया है। एक तरह से दिल्ली में शाहीन बाग को हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद महिलाएं एक भी कदम पीछे हटने को राजी नहीं है, बल्कि देश भर में महिलाओं का एक से एक नया शाहीन बाग बनता जा रहा है। मुंब्रा शाहीन बाग में आए कॉलेज के छात्रों से हमने बात की है, आपको सुनाते हैं। मैंने जैसे अपने पेंटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इमेज बनाई और लोगों की पीपल, मेरे लिए देश के लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें जो राइट्स देता है जिसकी उसी की वजह से हमारा जो अस्तित्व है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कुछ भी नहीं है, कोई वजूद नहीं है हमारा। तो ये आइडिया है पूरी तरह से वी द पीपल, इसी पे फोकस किया है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट्स देता है उसके बारे में है ये। सी, बात सही है या गलत है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के बारे में, सिटीजन्स के हित में ऑलरेडी सब कुछ है, तो उससे छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से जामिया में चल रहा है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है रिगार्डिंग जो जामिया के स्टूडेंट हैं, वो लोग बहुत अवेयर हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडियन बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है हर पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, स्पीकर मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे, हर जगह आपको अलग अलग फ्लैग्स जिस तरीके से जामिया में हुआ, जो हर इंडिया में हो रहा है, उस चीज़ का आपको विजुअल इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिखेगा जामिया में। हम लोग आर्टिस्ट हैं तो हम लोग अपना जो सोसाइटी में रोल प्ले किया हमने थ्रू कलर्स किया, थ्रू स्ट्रोक्स किया है, जिस तरीके से हर सब लोग एज अ स्पीकर सब लोग अपना रोल कर रहे हैं, एज अ लॉयर सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, तो एज अ आर्टिस्ट हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थ्रू ब्रश टॉक्स हम लोग भी अपना अवेयरनेस के जरिए इस कानून का विरोध करें। जी जी, एक ये पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, एक अलग पर्सपेक्टिव, कलरफुल प्रोटेस्ट का पर्सपेक्टिव भी दिखता है इससे। जो हमने कुछ अपने अभी जो डिस्कस हुआ था आपसे कि चेहरा नहीं बनाया हमने, मगर उसके हाथ में फ्लैग है, उसकी नागरिकता, उसकी पहचान जो है भारत है, चेहरे से नहीं पहचानेंगे, हमारे फ्लैग से, हमारे ध्वज से हमें पहचाना जाएगा। तो इसमें सारे पेंटिंग में हमने सारे अलग अलग जो सिटीज़ की है, जितने स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको हमने बनाया है, जिसमें आपके बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, सारी जगह की औरतों को हमने बनाया है। क्योंकि शाहीन बाग जो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से फिर बिहार में और गुजरात में और हर जगह छोटे छोटे उसका पार्ट दिखना स्टार्ट हुआ। हमारी सोसाइटी में एक वुमेंस का एक ये है कि वुमेंस कुछ नहीं कर सकती है, मगर शाहीन बाग ने प्रूफ किया है कि वुमेंस एक प्रोटेस्ट में मर्दों के कंधे से कंधे मिला के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकती हैं। जैसे कि यहाँ मुंब्रा में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे इतने 10 दिनों से महिलाएं बैठी हुई है और ये प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये जो पेंटिंग हमने पूरी करी है ये यहीं की औरतें और जितनी भी औरतें हैं शाहीन बाग जिन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया है उन सबको हम ये सम्मानित करते हैं ये पेंटिंग। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।